हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा में फुटबॉल चैंपियनशिप करवाई जा रही है, जिसके अंतर्गत राज्य में अलग अलग जोन बांटे गए हैं। अलग अलग जोन में प्रदेश भर की टीमें भाग ले रही हैं। इसी कड़ी में हिसार जोन के अंतर्गत पुलिस की टीम समेत हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, जींद की फुटबॉल टीम ने हिस्सा लिया। इस लीग का आयोजन जिला के गांव लोहारी जातू में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खेल प्रांगण में 5 से 9 अगस्त तक करवाया जा रहा है। प्रतियोगिता में जिला पार्षद राहुल मुंडाल, सरपंच प्रतिनिधि और खेल प्रेमियों समेत प्रबुद्धजन तथा पूरा गांव उपस्थित रहा। बता दें कि लीग की ओपनिंग गाजे बाजे और फूलमालाओं के साथ की गई। खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। 5 दिवसीय फतेहाबाद और फुटबॉल एसोसिएशन के रोमांचक मार्गदर्शन में प्रमादणीय हमारे यशस्वी पार्षद अध्यक्ष हैं श्री सूरजपाल अम्मू जी, उनके मार्गदर्शन में अध्यक्ष जोन बांटे गए हैं पूरे हरियाणा भर में। इस हिसार जोन के मंडल में मंडल के अंतर्गत 6 टीमों का यहाँ चयन हुआ, जिसमें हिसार, जींद, फतेहाबाद, सरसा और जिला भिवानी और पुलिस की टीम यहां भाग ले रही है। प्रत्येक टीम के लगभग एक दिन में लगभग 3 मैच हैं और आज पहला मैच फतेहाबाद और हिसार के मध्य में आपको देखने को मिल रहा है। और हमारे जो स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं भाई ओम तंवर जी और हमारे मध्य में यहाँ उपस्थित हैं श्रीमान आदरणीय आनंद जी जो कि इस मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं और अध्यक्ष मध्य में आप उपस्थिति रूप में युवा एक मार्गदर्शन के रूप में देख रहे हैं भाई बंटी जी सेक्रेटरी। तो बड़ा भव्य कार्यक्रम होने वाला है, तो आशा है ऐसे ऐसे टूर्नामेंट अच्छे के माध्यम से या किसी भी डिपार्टमेंट के माध्यम से छोटे छोटे गाँव में होते रहे, ताकि फुटबॉल का जो एक बार ये जीवंत उदाहरण ही मानिए, जो फुटबॉल का जो एक बार प्रचलन काफ़ी कम हो गया था छोटे छोटे गाँव में, तो ये ऐसे ऐसे आयोजन के माध्यम से बड़ा फुटबॉल का भला होने वाला है, उत्थान होने वाला है जी। उत्साह के रूप में तो देखिए सत्यम प्रमाणम की मस्ती, मैं अगर अपने मुंह से बोलूँगा तो अच्छा सा नहीं होगा। जितने खिलाड़ी देख रहे हैं, दर्शक दीर्घा है, चाहे वो उटिंग करना है, साउटिंग करना है, तालियाँ बजाना है, तो गाँव का उपस्थित यहाँ पर बच्चा भी आया है और बूढ़ा भी आया है, तो उत्साह आपको देखने को यहाँ प्रमाणित। विजेता टीम इसके बारे में आपको बताऊँ, ये जो 6 टीमें आई हैं यहाँ इन 6 टीमों में से 2 टीम क्वालिफाई करेंगी जो स्टेट लेवल के लिए जाएंगी, जो टॉप पूरे हरियाणा भर की जो 2-2 टीमें छाट करके प्रत्येक जोन में से आएंगी उनके भी एक अलग से टूर्नामेंट होगी। और इन्हीं टूर्नामेंट के अंदर से ये जो छोटे छोटे मैच हो रहे हैं आज, इन्हीं में से संतोष ट्रॉफी का भी चयन सीनियर के लिए किया जाएगा, और जो बच्चा सिर्फ स्किल दिखाता है तो भारतवर्ष की टीम में भी जाने का वो कार्य होगा। देखिए भाई साहब, ये सीनियर स्टेट है चैंपियन, सीनियर स्टेट चैंपियनशिप कम लीग प्रतियोगिता है, ये HFA के तत्वाधान में, हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश को 4 जोनों में बांटा है, हिसार, यमुनानगर, गुरुग्राम और अपना अम्बाला, 4 जोन है। हर एक जोन में 6 टीमें हैं, 22 जिलों की, 2-1 हरियाणा पुलिस, 1 बिजली बोर्ड, इस तरह यहाँ पे 6 टीमें आई हैं। इनमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवानी और हरियाणा पुलिस, 6 टीमों के 5-5 मैच होंगे, कुल मिला के 15 मैच होंगे, जो कि 5 दिन में प्रतिदिन 3 मैच करवाए जाएंगे, जैसे कि AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की गाइडलाइन है, उसी अनुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सूरजपाल अम्मू जी के दिशा निर्देशन में और उन्हीं की देख रेख और मार्गदर्शन से ये सब आयोजन किया जा रहा है आपके भिवानी जिले के गाँव जाटुलवारी में। देखिए भाई साहब, ये है सीनियर स्टेट, इसके बाद नेशनल भी होगी। इस प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनकी फिर आगे ट्रायल होकर के नेशनल होगी, उसमें हरियाणा प्रदेश की टीम चुनी जाएगी। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू जी बहुत ईमानदार और साफ छवि के व्यक्ति हैं, वो हरियाणा फुटबॉल को नई ऊँचाइयों पर लेके जाना चाहते हैं। पीछे अमृतसर में जो लड़कियों की टीम 27 साल बाद द्वितीय स्थान पूरे भारत में उन्होंने प्राप्त किया, उसके पीछे सूरजपाल अम्मू जी और हरियाणा फुटबॉल फेड एसोसिएशन की मेहनत थी। धन्यवाद।